अभी जो आप तस्वीर ले रहे हैं, इस मामले में आपकी क्या कार्रवाई चल रही है आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा? ये केस जो है ग्राम छोराही पंचायत की है और मेरे पास ये आए हैं। तो इस एक महिला की जो देख रहे हैं तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो बुरी तरह से घायल है और इनका पूरा जो है मेडिकल रिपोर्ट के साथ भी है कि इनका आँख डैमेज है। और जहाँ तक ये बात रह गई, जब फर्दियान हो चुकी है, फर्दियान की कॉपी है आपके पास क्या? जी जी, फर्दियान का भी कॉपी है मेरे पास, वो भी हम दिखा रहे हैं। फर्दियान का कॉपी ये है और पुलिसिया धौस दिखा करके जबरन उनसे एक आवेदन लिया गया है। तो ये चीज़ बताए प्रशासन, जब फर्दियान हो चुकी है तो फिर दूसरी या अपनी पुलिसिया धौस दिखा करके आवेदन लेना, ये कौन न्याय की बात है? अच्छा, आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार इस मामले में क्या कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में ये केस को हमारे संज्ञान लिया गया है और जहाँ तक की हो हरेक प्रशासन और महिला आयोग से भी, हरेक जगह और मुख्यमंत्री से भी मैं आग्रह करता हूँ जो सब आदमी मिल करके इन केस को और ये जो घायल व्यक्ति हैं जिनका आँख डैमेज है, इनको न्याय दिलाने के हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है, फिर अगली बार जो अब मुलाकात होगी उसमें विशेष हमको जानकारी देंगे, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शशि भूषण कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के स्टेट प्रभारी। धन्यवाद। अरे पापा का घेर घर करके सब कौन कर रहा है? वो जाकिर था, असगर है, मोहतावन भर है। तो हम बोल लेंगे कि ये क्या है, जमीन किसी और का, हम लोग भी तो बेटी हैं, घेर घर कोई और करेगा, हम इतना ही बोले। उधर से मोहतावन भर है, इधर वार्ड मेंबर असगर है, जाकिर है और बहुत सारा मोहल्ला का पूरे लोग मिल कर के पूरा टोला का आदमी हमको बांस उस से फट्टा उट्टा से इतना मारा मार रहा था, हम घर के तरफ भागे आ रहे हैं। अपने घर का खिड़की के सामने आए तो मोहताब मनवर हमको आँख में मार दिया। डर है कि तलवार है, देखिए मेरा आँख भी एक आँख मेरा चला गया। पटना से इलाज हुआ, वहाँ भी बोल दिया गया कि आँख का पर्दा खराब हो गया, लेंस घसक गया, आँख में रोशनी नहीं आ रहा, आँख से बढ़ के कुछ नहीं। तो मेरा इंसाफ कहीं नहीं, और यहाँ का थाना प्रशासन जो भी है कोई साथ नहीं दे रहा लेडीज का, समझे? आपका नाम? मेरा नाम इशरत खातून है। इतना है, आप कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं बंगाल आसनसोल। अच्छा, ठीक है। आपके पिताजी का क्या नाम? मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद सुजात अली नाम था। धन्यवाद। मामला है आपके साथ? मामला है सर कि जबरन तरीके से जमीन हड़पने और मार पिटाई का मामला है मेरे परिवार के साथ घर में, और बहुत बुरी तरीके से मारा है जिससे एक आँख डैमेज हो गया मेरे कुआ का। और उनकी तस्वीर दिखाइए। तो तस्वीर है, ये तस्वीर है उनकी। ये जो है बंगाल में रहती है, ये अपने मायके आए थे घूमने के लिए और इन्होंने देखा कि मेरे ज़मीन पर जो है कोई कैसे मतलब कि कूटा खंभा या कब्जा करने की नीयत से उसमें कुछ भी गाड़ दिया है, बाँस कूटा खंभा जो भी है। तो बहन लोग भी आए हुए थे, इनकी बहन भी आई हुई थी बगल गाँव से मिलने के लिए। तो वो लोग गई वहाँ पर गई पूछने के लिए। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे कि भाई मेरे पिता के नाम की ज़मीन है तो इस पर कोई क्यों ऐसे मतलब अवैध रूप से कब्जा कर रहा है ऐसे वैसे। तो इसलिए वो लोग बहुत संख्या के साथ जो है इस पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से मारा पीटा, इस वजह से इनका आँख डैमेज हो गया। अच्छा, और ये जो है हाजीपुर और पटना का रिपोर्ट है हमारे पास। ये वो ज़मीन है और ये जो है एक रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट। ये हाजीपुर का रिपोर्ट है, इन्होंने रेफर किया पटना। ये पटना का रिपोर्ट है जिसमें क्लियर हो गया कि एक आँख डैमेज हो गया, इनका रोशनी चला गया। और ये जो है और ये चीज़ें, उसके बाद हम तो हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पर जो है फ़र्द बयान हुआ इनका। ये फ़र्द बयान की कॉपी है। तो ये फ़र्द बयान हुआ तो यहाँ हमारे स्थानीय थाना जो है यहाँ पर इसको दरकिनार कर दिए और ये जो है दूसरा जबरन जो है ये दूसरा आवेदन लिया गया। तो मेरा यही कहना है कि जब फर्द बयान हो चुका है तो दूसरा आवेदन लेने का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है?
और ये जो ये दूसरा आवेदन लेने लिए और मेरे ऊपर फर्जी केस उन लोगों से करवा दिए, उसका केस नंबर पहले और मेरा केस नंबर बाद है। मतलब हमारे घर वालों को मारा भी, मेरे ज़मीन पर कब्जा भी कर रहा है, ऊपर से हम मेरे ऊपर केस भी, मतलब सब कुछ हम ही झेले। और अपराधी जो है बिंदास घूम रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से। अच्छा, आपने कहीं आवेदन दिया है क्या? हमने सारा जगह आवेदन दिया है, डीएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, आपको आईजी के यहाँ, महिला आयोग में, सारे जगह आवेदन मैंने दे दिया है ना? अच्छा, कहीं से कोई कार्रवाई? और शायद सुनने में आया है कि एसपी के यहाँ से, आयोग में, सारे जगह आवेदन मैंने दे दिया है ना? अच्छा, कहीं से कोई कार्रवाई? और शायद सुनने में आया है कि एसपी के यहाँ से मतलब उसका जो है वहाँ से कुछ कागज़ आया है यहाँ थाना पे, तो थाना जो है दूसरे के माध्यम से हमको बोला गया कि मेरे खिलाफ लिख रहा है लड़का, सो उसको मना करो कि मेरे खिलाफ ना लिखे। मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो हम तो लिखेंगे ही, ऐसे में तो कोई भी आपने कोई मानवाधिकार को दिया है क्या? मैं खुद मानवाधिकार में हूँ। अच्छा। और मैंने अपना केस जो है मानवाधिकार में दिया है, वो भी मेरे केस को देख रहे हैं और मेरे पास सारा चीज़ है, सारा प्रूफ है, सारा एविडेंस है। अच्छा। मेरे गवाहों को धमकाया गया, अब कोई भी गवाह कैसे देगा, बोला जाता है। एक चीज है कि आपके भाई को जब नाम में केस डाला गया, उस संबंध में उसके लोकेशन के लिए आपने कागज लिया है क्या? जी, वो लोग जो यहाँ पर है ही नहीं सर, वो लोग जो है उसका भी साक्ष्य मैं दिखा रहा हूँ, वो लोग यहाँ पर है ही नहीं है, वो लोग MP मध्य प्रदेश में जो है गाड़ी चलाते हैं कंपनी में, तो ये उसका पेपर, ठीक है, एक ये भाई है और ये एक भाई है, ये दोनों का पेपर मैंने मंगवा लिया, ये देखिए, वो जब यहाँ पर है ही नहीं तो कैसे उसका केस में नाम आ गया? और केस जो है फटाफट जो है सुपरविजन हो जाता है, इंक्वायरी हो जाता है और हमें पता नहीं, हम तो इलाजरत है, अब देख रहे हैं कि मामला की आंख डैमेज है, तो हम हाजीपुर पटना यहाँ वहाँ घूम रहे, रिपोर्ट है, जांच करवाना है, और यहाँ पर जो है केस सुपरविजन हो जाता है, जब हम पूछने के लिए गए तो बोलते हैं कि केस सुपरविजन हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या इंक्वायरी किया? जो आदमी है नहीं यहाँ पर, उसका नाम डाल दिए तो उसको आप जाँच कीजिएगा ना? आप अपना परिचय दे देंगे? मेरा परिचय है सर मोहम्मद शौकत सिद्दीकी, मेरा नाम हुआ, पिता का नाम मोहम्मद शमीम है, ग्राम पोस्ट छौराही। अच्छा, जमीन जो था किसके नाम से था? जमीन जो है खतियान पर जो है हमारे दादी का नाम है और दादी के दो भाई का नाम है। अच्छा। ठीक है, दोनों भाई जो आज से 17-18 साल पहले जो है वो जमीन अपने शेयर का जो भी हिस्सा था बेच के चले गए। ठीक है, मेरी दादी का है जो भी घर भर बचा हुआ है, तो जो भी वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बेच के चले गए, हम लोगों को नहीं पता था। और जब बात जब ये जब सामने आया तो हमारे घर के फूआ लोग जो बोले कि जो पिताजी जो है ज़मीन जो है फलाने लोग से खरीदे हुए थे, केवाला था उनका, जो जाओ उनसे मिलो जाके, तो हम उनके पास पहुँचे तो वो जो है बोले कि आपके घर में पुराना कागज़ होगा, लेके आइएगा हम बता देंगे। तो हम पुराना कागज़ लेके गए तो उन्होंने एक कागज़ ऐसे निकाल के, तो वो भी मेरे पास है, निकाल के दे, बोले बाबू ये है जो हम तुम्हारे दादा को केवाला किए थे। तो हमारा ज़मीन तो केवाला है, इसमें तो किसी का शेयर बनता ही नहीं है, जो भी हमारा है तो उसमें थर्ड पार्टी कैसे लिख देगा? ठीक है, आप अपना परिचय देंगे? शौकत सिद्दीकी, पिता मोहम्मद शमीम, ग्राम पोस्ट छौराही। धन्यवाद।